इंडिया न्यूज पर विशेष कवरेज लगातार जारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आज ही दिल्ली बेकार, क्योंकि आज से लागू हो गया है ऑड इवन का फॉर्मूला। राजधानी दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला का पालन हो रहा है। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, परिवहन मंत्री गोपाल राय और सत्येंद्र जैन के साथ कार पूल करके सचिवालय पहुंचे, लेकिन घर से निकलते पहले उन्होंने नियम का पालन करने के लिए दिल्ली के लोगों का आभार जताया और फॉर्मूले को सफल बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों ने इस प्रयोग को अपना लिया है और ये एक आंदोलन की तरह चल रहा है। दरअसल राजधानी दिल्ली का प्रदूषण लेवल इतने खतरनाक स्तर पर जा पहुंचा है, जिसको कम करने के लिए दिल्ली की आबोहवा में सुधार हो रहा है। इसके लिए सरकार की ओर से ये ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया गया है। आज भी शेयर करना, और अभी तक की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं पूरे दिल्ली से ऑफिसर्स की, वो ये है कि, और आप लोगों की भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये है कि दिल्ली के अंदर आज ऑड इवन काफी सक्सेसफुल रहा, काफी सक्सेसफुल चल रहा है, और इवन नंबर की बहुत ही कम गाड़ियां सड़क पे दिख रही हैं। और कुछ एक गाड़ियों को जब ऑफिसर्स ने रोका भी तो वो या तो सीएनजी व्हीकल निकले या एग्जम्प्ट कैटेगरी के निकले। तो बाय एंड लार्ज दिल्ली के लोगों ने इसको बहुत खुले मन से और बहुत अच्छे से इसको अपनाया है, पूरे एंटी पोल्यूशन ड्राइव को। जैसा मैं बार बार कहता था कि ये एक ऐसी चीज है जो कि डंडे से नहीं की जा सकती हासिल, ये केवल तभी हो सकता है जब लोग दिल से इसको अपनाएं और लोग इसको ये एक तरह से मूवमेंट बन जाए। तो अभी तक का एक्सपीरियंस ये दिखा रहा है कि दिल्ली के लोगों ने इसको अपना लिया है, ये मूवमेंट बन गया है, और आई एम ट्रूली ओवरवेलम्ड बाय द रिस्पॉन्स दैट वी हैव रिसीव्ड सो फार। दिल्ली के लोग बहुत जबरदस्त लोग हैं, उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉसिबल सा काम करके दिखाया है, और इसके सफलता के बेसिस पे मैं इस बात से कॉन्फिडेंट हो रहा हूं कि आने वाले 5 साल के अंदर दिल्ली के लोग और बहुत बड़ी बड़ी चीजें करके दिखाएंगे। दूसरी बुराइयों को भी हम सब मिलकर दिल्ली के लोग निजात पाके दिखाएंगे, एंड दिल्ली विल शो द वे टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री एंड टू द रेस्ट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ये भरोसा जताते हुए कि ये फॉर्मूला सफल हो रहा है, क्योंकि दिल्ली के लोग इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने क्या कुछ कहा है इस फॉर्मूले को लेकर, किस तरह से लोगों से उन्होंने अपील की है, अब वो सुनिए। आज की तारीख में जो जहां जहां हमने डिप्लॉयमेंट करनी थी वो कर दी है, और हमारा जो है फोकस आज जो है प्राइमरली एजुकेशन पे रहेगा। जहां लगेगा तो वहां पर कार्रवाई भी की जाएगी जी। बाकी मैं जनता से एक बार फिर अपील करूंगा कि आज क्या अगले 15 दिन तक जो है आप हमारी मदद करें। तो दिल्ली के लोगों से अपील करते हुए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर कि लोग इसमें पूरी मदद करें, और इंडिया न्यूज भी आपसे यही अपील कर रहा है कि दिल्ली के लोगों के लिए की बेहतरी के लिए ये कोशिश की जा रही है, और इसी वजह से आप लोग भी दिल्ली सरकार की इस मुहिम में अपना पूरा साथ दें। थोड़ी परेशानी जरूर होगी, लेकिन दिल्ली का प्रदूषण लेवल कम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत घातक है। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बाइक पर कपिल मिश्रा जो दिल्ली के मंत्री हैं वो अपनी बाइक पर सवार होकर आज दिल्ली सचिवालय पहुंचे। दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं विधायक नरेश यादव हैं जिन्होंने साइकिल चलाई अपने साथियों के साथ, और इस तरह से वो दिल्ली सचिवालय पहुंचे। यानी कि ये खास चेहरे भी ये जताने की कोशिश कि आम लोगों की तरह ही वो पूरी मदद कर रहे हैं, और बहुत जरूरी भी हो जाता है क्योंकि स्थिति इतनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। और लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिल्ली के अलग अलग जगहों पर प्रदूषण का हाल भी दिखा रहे हैं कि कितने भयानक दौर से इस वक्त राजधानी दिल्ली गुजर रही है, और अगर इसको कम नहीं किया गया तो ये सीधे सीधे जानलेवा साबित हो सकता है। और इसी वजह से कोशिश इस बात की कि आपको गाड़ी से चलने में दिक्कत जरूर होगी, सम विषम फॉर्मूले को अगर आप अपनाते हैं, लेकिन उससे आपको फायदा इस लिहाज से होगा क्योंकि सीधे सीधे आपकी सेहत पर इसका असर देखा जाएगा। और ये तस्वीरें हम आपको गांधीगिरी की दिखा रहे हैं, प्रदूषण को कम करने के लिए लोगों से सहयोग करने के लिए ये लोग जो वॉलंटियर्स हैं गुलाब का फूल हाथों में लिए दिल्ली की सड़कों पर अलग अलग जगहों पर खड़े हैं, और लोगों से ये अपील करते हुए ये निवेदन करते हुए कि इस फॉर्मूले को यानी कि ऑड इवन फॉर्मूले को सफल बनाने के लिए दिल्ली के लोग पूरा सहयोग करें। पॉल्यूशन फ्री दिल्ली इस तख्ती के साथ ये लड़की यहां पर खड़ी हुई है, लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश, ये अपील करने की कोशिश कि थोड़ी परेशानी जरूर आएगी, लेकिन राजधानी दिल्ली की जो स्थिति है, जो
प्रदूषण लेवल है जो खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, उसे कम करना बहुत जरूरी है। डिंपल गुप्ता, ये जो अरविंद केजरीवाल ने ऑड और इवन की स्कीम चलाई थी वो आज से शुरू हो गया है, तो जो लोग पॉल्यूशन पैदा करेंगे हम उनको ये गुलाब का फूल देंगे। और ये बैनर जिस पे लिखा हुआ है पॉल्यूशन फ्री दिल्ली, तो आज से ऑड इवन का 15 डेज का ये रूल शुरू हो चुका है, तो आज स्टार्ट है बस। ये हाँ मतलब आज स्टार्टिंग है तो शुरू शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम होगा लोगों को, बट आगे आज 15 डेज ट्राई करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ये वॉलेंटियर्स हैं जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और अब हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जब सुबह सुबह जिन लोगों ने इवन नंबर की गाड़ियों के साथ दिल्ली में एंट्री मारी उनका चालान कट गया। चालान के आपके पास 2000 रूपए चालान के 2 घंटे के अंदर अंदर आप अपने घर में चले जाना, नहीं तो हम आपको यही देखो हम तो समझा सकते हैं आपको, कहीं पार्किंग नहीं होगी, आप पार्किंग होगी नहीं, आप दोबारा गाड़ी चला सकते हो। जिसका एक ऑर्डिनल फॉर्मूले पे पहला चालान हो रहा है कोई नहीं आपको मालूम नहीं था, जानकारी नहीं पता है सर, पता है कोई दिक्कत नहीं, मेरे को अर्जेंट है जाना है, मेरे को मजबूरी है, मेरे को जाना पड़ेगा, क्या कर सकता हूँ बताओ। मैं आपका चलान मृदुल यादव, तो आप चालान भरे भरूँ भाई, क्या कर सकता हूँ बताओ, बड़ी मुसीबत फेस करती है केजरीवाल जी ने, पता है मैम, पता है मैम, पता है, मेरे को जरा अर्जेंट है, भरना पड़ेगा चालान, कोई नहीं भर देंगे, आगे फॉलो करेंगे, मुसीबत मुश्किल है, मेरे पास सारी गाड़ियां इवन ही है, क्या करूं। 1 जनवरी 2016 से राजधानी दिल्ली में इवन और ऑड का फॉर्मूला लागू हो चुका है, लेकिन इस इवन और ऑड के जो फॉर्मूला है इससे सीएनजी की गाड़ियों को बिल्कुल बाहर रखा गया है, यानी सीएनजी की गाड़ियों पे ये इवन और ऑड का फॉर्मूला लागू नहीं होता, और जितने भी दिल्ली में सीएनजी पंप है वहां पे लोग लगातार पहुंच रहे हैं, सीएनजी की जो उसका गाड़ी का जो भी गाड़ी सीएनजी फिटेड है उनका आरसी चेक की जा रही है, और जो सीएनजी के पेपर हैं वो चेक किए जा रहे हैं, उसके बाद एक जो स्टिकर लगाया जा रहा है, कितने लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं, कितनी गाड़ियों पे आज सुबह से अब तक आपने स्टिकर लगा दिया? सर मैक्सिमम हमारे यहाँ पे सर हर पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जितने भी प्राइवेट कार व्हीकल्स पॉइंट है सर हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं सर, और कम से कम मिनिमम हर पॉइंट पर सर सुबह से 30-30 गाड़ियां मिनिमम आ चुकी हैं सर हर पॉइंट पे, लगातार गाड़ियां पहुंच रही हैं सर, लगातार गाड़ियां आ रही हैं, सुबह 5 बजे से सर मैं आ रखा हूं, जब से लगातार गाड़ियां आ रही हैं सर, ऑड इवन का फॉर्मूला लागू हो चुका है, और सीएनजी की गाड़ियां लगातार 1 जनवरी को सुबह जिस तरीके से कर्मचारी ने बताया 5:30 बजे से गाड़ियां लगातार यहां पे पहुंच रही हैं, आप देख सकते हैं अभी भी तमाम गाड़ियों की यहां पे लाइनें लगी हुई हैं सीएनजी भरवाने को लेकर, साथ ही जो सीएनजी का स्टिकर है उसे लगाने के लिए, ताकि दिल्ली में कहीं भी सीएनजी भरवाते वक्त उन्हें किसी भी तरीके की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन गुलशन के साथ रजनीश शर्मा, दिल्ली इंडिया न्यूज। सुबह के 9:30 बजे हैं और हम आली गांव की रेड लाइट पर खड़े हैं, जो रास्ता फरीदाबाद से दिल्ली की तरफ आता है, सिविल डिफेंस के जो आदमी हैं जो लगाए हुए हैं वो तमाम आपको नजर आएंगे, और इस रेड लाइट पर मेंटेन कर रहे हैं, और जो ऑड इवन फार्मूले की आज शुरुआत हो चुकी है, प्रदूषण मुक्त शहर बनाएंगे, नया साल बनाएंगे, इस तरह के पोस्टर्स के साथ ये लोग एक तरह से एजुकेट कर रहे हैं लोगों को कि ऑड इवन फार्मूले को फॉलो करें और प्रदूषण से मुक्त करें, और तमाम भीड़ देखें, कुछ गाड़ियों को भी ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं, इवन नंबर 7 नजर आ रहा है हमें, 7 है 5 है, और जो फरीदाबाद से आने वाली गाड़ियों की ये भीड़ नजर आ रही है, यहां से अब तक बहुत कम देखा गया है कि आज ऑड नंबर की गाड़ियां देखी जाए, हालांकि यहां 1-2 पुलिस वाले भी हैं, लेकिन चालान उस हिसाब से नहीं हो रहे हैं जिस हिसाब से देखना चाहिए। इन लोगों से पूछते हैं कब से आप लोग खड़े हैं, 8 बजे से शुरू है आप लोग? सर हम सुबह 7 बजे के आए हुए थे, 8 बजे से शाम से ड्यूटी स्टार्ट है सर हमारी, सर हम अपना अपने देश की सेवा कर रहे हैं। सिविल डिफेंस में तो आप लोग हैं, पुलिस वाले हैं, क्या कुछ चालान हो रहे हैं, ऑड नंबर वाली गाड़ियां दिख रही है क्या ज्यादा? सर ज्यादा दिख रही है सर, थोड़ी बहुत दिख रही है सर, जो लोग माननीय है सर वो अनपढ़ आदमी सर वो गाड़ी वाड़ी चला रहे हैं सर, सर क्या करें सर, सर देश के हम सर देश के नागरिक सर देश की सेवा कर रहे हैं सर, सर सरकार जो काम कर रही है अच्छा काम कर रही है सर, हमारे लिए फायदा है सर इससे।
हमारे लिए फायदा है और ये लोग एक मैसेज के साथ हैं और कोशिश करते हैं कुछ और गाड़ियां देखने की भी, लेकिन फिलहाल ये जो फरीदाबाद से रास्ता आता है अलीगांव की रेड लाइट पर है, या बहुत कम गाड़ियां हैं जो ऑड नंबर की नजर आ रही हैं। आज एक तारीख है और फॉर्मूले की शुरुआत हुई है और ये पूरा जो रास्ता आता है फरीदाबाद से, इवन नंबर की गाड़ियां तो धड़ल्ले से चल रही हैं लेकिन ऑड नंबर की कुछ गाड़ियां हैं कम है, लेकिन पुलिस बल इतना ना होने के चलते अभी शायद चालान उतने नहीं हो पाएंगे। विनोद लांबा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। किस वजह से कितना प्रदूषण फैलता है वो भी लगातार हमने आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाया और आप नीचे देख पा रहे हैं कि राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में प्रदूषण का स्तर है कितना पहले के दिनों में और आज पिछले तीन घंटों से जब ऑड इवन फॉर्मूला लागू हो चुका है तो किस तरह का फर्क पड़ा है। ये तमाम खबरें और बातें लेकर हाजिर होंगे एक छोटे से